माया कोई कमी तो बता लड़के में, तूने अभी तक फोटो भी देखी है उसकी? फोटो ही देखनी तो मैं यहाँ ना देखूं। I think there's a bit of an inside edge on that. Up goes the finger. I thought I heard a second sound. Virat Kohli is distraught, but he'll still have to go. He's 49. Look back at the end of his career and say, of all the many innings I've played, I'll remember this. Sameer. Let's have a look. Did he get an edge? जी अब. आप रिजर्व का भी तुम्हारा? कुछ ही दिनों में बस पता चल जाएगा भी. To the umpire's defense, it's very difficult with the noise of the crowd. There wasn't much deflection there, but we could hear it in the stump mics. Well played, 76 for 4. मैच देख रही हो? आमिर तो मूड में है. बस धोनी ही बचा सकता है. अब इन्हें धोनी भी नहीं बचा सकता. इन्हें? हमें? हमें? इन्हें? अबे किसे सपोर्ट कर रहा है? Who are you supporting? इंडिया, पाकिस्तान. इतना बड़ा इंडिया और घूम फिर कर पाकिस्तानी ही पसंद आया. इतना स्पेशल फील मत करो, अमृतसर और लाहौर में सिर्फ 50 किलोमीटर का फर्क है. गलती से मैच हो गया. मौका मिठाइयां बट रही होंगी आज तो. कभी कभी तो मौके आते हैं. दिल बहलाने के लिए बिरयानी भिजवाऊं? स्लेच कर रहे हो? नहीं, फ्लर्ट. What do you do? वही बोरिंग 9 to 5 जॉब. रोज छोड़ने का सोचता हूँ, बस अब्बू इजाजत दे दें. और तुम? मास्टर्स कर रही हूँ लंदन में और फिलहाल यहाँ छुट्टियाँ मनाने की कोशिश. कोशिश? पिछले 20 दिन में माँ 26 लड़के दिखा चुकी है. मम्मा यार, कम से कम फैमिली ग्रुप में तो मत डालो फोटो. कोई तो मिलेगा जो हमसे प्यार करेगा, हम जैसे हैं वैसे करेगा, बादलों के नीचे अपना. बॉलीवुड फिल्में देखते हो? लगान से लेकर रेस 3 तक आपके तीनों खान के फैन हैं हम. भाई हम तो सिर्फ फवाद के फैन हैं. वैसे तुम्हारी जिंदगी में नहीं है कोई फवाद खान? अगर होता तो मैं तुमसे बात करती. बारिश में गाने गाया करेंगे, छतरी खोले बिना नहाया करेंगे. और सूपी मैगी कौन खाता है यार? सूपी नहीं, बगावत की मैगी है. घर में वैसे सबको सूखी पसंद है. लगे रहो, यही सूपी बगावत एक दिन स्टार्टअप खुलवाएगी. सुना है ताहिर का जो बेटा है ना, अपना कारोबार खोल रहा है. देखो पैसा डुबवाएगा वो अपना. मैंने कई बार समझाया, समझता ही नहीं. सूरज की ऊंचाई पे हूँ मैं रहता और ख्वाब टूटने का डर मुझको लगता. सूरज की ऊंचाई पे हूँ मैं रहता और ख्वाब. अति सुंदर. मेहरबानी. वाह क्या तहजीब लाया हूँ आपकी जिंदगी में. कितना भैया इनका? 60. खुद तो समझाए क्या? 400 लेगा. रोज आते हैं यहाँ पे. क्या बात है, रेजिग्नेशन लेटर. सो टुडे इज द डे, गुड लक जवान. हाँ यार, आज नहीं तो कभी नहीं. वैसे तुम कब बात कर रही हो? फिर वही, तुम मेरी मॉम को नहीं जानते यार. अगर मैं गब्बर को फेस कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट यू? क्या मतलब शादी नहीं करेगी? फ्रीक आउट करने की कोई जरूरत नहीं है. कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है आज के जमाने में. रेजिग्नेशन, अचार डालू मैं इसका? ऑन्टो प्रोनोशिप, बस बड़े अल्फाज भुलवा दो और हो गया. अब्बू आप जमाने के साथ तो चलें. तू मुझे ना ओल्ड स्कूल का बता के खुद को कूल मत बना. लोग क्या कहेंगे? लोग आओ पता कर लेते हैं. अरे मोहल्ले वालों, निमृत की बेटी शादी करने से मना कर रही है.
मैडम को लंदन का, मास्टर्स का, जॉब का भूत चढ़ा है। कल को पीएचडी की रट लगाएगी। अजी क्या पता कल को कोई गोरा दामाद घर ले आए। आप लोगों को कुछ कहना है? अगर स्टार्टअप में बर्बाद हो जाऊं तो जी भर कर मेरा मजाक उड़ा लीजिएगा। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं अबू। ये देखें, ये है मेरी जॉब का कंफर्ट जोन, सेफ, डिपेंडेबल, बोरिंग। और ये है स्टार्टअप की दुनिया, न्यू, एडवेंचरस, एक्साइटिंग। मम्मा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, पर मुझे ये जरूर पता है कि मुझे क्या नहीं करना। स्टार्टअप के फेलियर के साथ जिंदगी गुजार लूंगा अबू, लेकिन इस पछतावे के साथ कैसे गुजारूंगा कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। गब्बर कैसे हैं? गब्बर कभी हूं तो कभी हूं कर देते, मगर ठीक है यार। तुम बताओ तुम्हारी तरफ क्या हालात है? फिलहाल तो लड़कों की इनकमिंग बंद है। और अगर दोबारा खुल गई तो क्या? बोल दूंगी, एक पाकिस्तानी लड़का हाथ आया है। हाँ ये सही, तुम एक काम करना, अपनी मम्मी को घर की छत पे ले आना, मैं प्लेन से आसमान में दिल बना दूंगा, एरो वाला। लेकिन बारात को भांगड़ा करना पड़ेगा, उसके बगैर हमारे यहाँ लड़की नहीं दी जाती। वागा पर वलीमा होगा, और बच्चे दो ही अच्छे, और दोनों को मस्त उर्दू सिखानी पड़ेगी। मम्मी आप हमारा मसला नहीं समझ रहे। कोई दिक्कत ही नहीं जी, सचिन और वकार दोनों को हम, सचिन और मोमिना प्लीज यार। वैसे माया हम दोनों, मेरा मतलब है हम, नहीं छोड़ो यार, रहने दो। अच्छा रखती हूँ, एयरपोर्ट के लिए देरी हो रही है। पढ़ाई पर ध्यान देना, टेंडर पर वक्त ना बर्बाद करना, और तुम अपने अब्बू के पैसे मत डुबो देना। देखो थैंक्स फॉर एवरीथिंग माया, तुम नहीं होती तो। अरे इसमें तो कोई मसला ही नहीं है यार। अच्छा बाय। बीच बैठी मैं बाजार आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप लॉर्ड्स में, दो टिकट्स बुक करवा रहा हूं। ओह नाउ आई सी वेयर वी डिफर। ओके ओके ओके। साइलेंस, एक्शन। बस सही है। He's harassing me. And it's a backup. 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 यार बेस्ट शॉट लिया मैंने। Hi guys, finally film ban gayi. Hopefully this is not the last time we're talking to each other. अरे ऐसे कैसे, अगले साल मिलेंगे ना वर्ल्ड कप में। Obviously यार ये फिल्म तो बस शुरुआत है। तो बस अरे और तीली को Facebook पे लाइक करें और YouTube पे सब्सक्राइब करें, और हमारी छोटी सी फिल्म को लाइक और शेयर करें। टीम तीली और टीम अरे की तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।